नदी किरणों की। आ साथ मेरे चल चल बादलों में चल भर के उड़ाने आसमानों में FM Gold, Khara Sona. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूँ कौन डम 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 डम। तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूं डॉन। समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है आकाशवाणी मुंबई का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं आपका इस वक्त का RJ विजय अकेला और मैं आज जिस शख्स के साथ हूं वो हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के आनंद जी। आनंद जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार नमस्कार सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। अकेला जी आज हम अकेले नहीं, बहुत सारी दुनिया आपके साथ सुन रही है तो हम अकेले नहीं है। कैसे हैं आप? मजे में बस। वाह आनंद जी ये उम्र और ये ताजगी, आपको तो देखने भर से ही दिल जवान हुआ जा रहा है जी। 85 वर्षीय आनंद जी वीर जी शाह जी क्या है ये जिंदगी बताएं? जिंदगी है बस, संगीत से जुड़े हुए हैं, मजे लेते हैं जी। तो हमारी एनर्जी तो वही हो गई, हमारा विटामिन भी वही हो गया जी, सब कुछ है। एक बात इसमें रखना पड़ता है कि संगीतकार कोई आर्टिस्ट हो जी उसके घर में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि बार बार वही सुनना पड़ता है, तो उनकी बातों को सुन के एक कान से लेके दूसरे कान से निकाल दो तो भी ठीक रहे। वाह तो कैसा है ये जिंदगी का सफर? सफर बहुत अच्छा है, बहुत तकदीर वाले हम लोग। एक FM के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग आ गए,
संगीतकार तो पहले भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे जी, लेकिन उस वक्त मीडिया नहीं था उनको, उनको सुनने के लिए कोई नहीं था, कोई चार छह लोग सुनते थे। आज हम टॉप टू करते तो फौरन दुनिया सुनती है, आप जैसे लोग उसको और बढ़ावा देते हैं, तो बड़ा मजा आता है कि छोटा भी काम किया है वो कहाँ तक पहुँचता है। आप जिसको टॉप टू कह रहे हैं उसको हम बहुत बड़ा बहुत उम्दा संगीत कहते हैं। सही है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये तैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जा डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जा की फिल्म सफर का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गीत जो आज भी उतना ही गहरा है जितना 1970 में था, सुपरस्टार राजेश खन्ना को और ज्यादा जिंदगी से जोड़ता गीत, इंदिवर साहब का गीत और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। उसी कल्याण जी के आनंद जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। क्या क्या याद आता है इस गाने को सुनकर आनंद जी? हाय हाय, क्या क्या बातें याद आती है। वो स्टूडियो आशीष दादा जी बंगाल से आए हुए थे जी, इंदिवर जी का ये लिखना गाना, वाह, गाना बड़ा मैच्योरिटी से लिखना का था। वाह, इंदिवर जी की एक खास खूबी थी कि उनको कभी बोलो ना कि बहुत दिल में जाना है तो साल महीना दो महीने तो ले लेते। क्या हम बोलेंगे मुखड़ा सुना, जरा सोच रहा हूँ यार, पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और इनको जाना था दो दिन में वापस कलकत्ता जी।
उसमें तो इंदिवर जी थे ही लिखने वाले, और उनसे बेटर हमको नहीं लगता था और कोई लिखेगा जी। तो हमने उनको उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि इंदिवर जी ये गाना लिखना, लेकिन आपके बस की बात नहीं है जी। तो क्या बात करते हो तुम, बस की बात नहीं मतलब क्या है क्या जी? तो मैंने गाना है लेकिन क्या कि दो दिन में लिखना है, बस में बात नहीं कि आपके दो महीने तीन महीने चाहिए। तो बोलो किस कमी ने बोला कि मैं फास्ट नहीं लिखता। मैं बोला सुना तो नहीं है, हमने तो देखा हुआ है जी। तो बोले क्या कहानी का है? तो हमने बोला कि देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी, जिंदगी क्या है ये हमको मालूम नहीं। पूरा डिटेल उनको देते गए कि जिंदगी का सफर क्या है, ये सफर किसी को मालूम नहीं। यूं करते करते हम आगे आगे के, देखो आगे चलिए ऐसे जीवन भी आपके जैसे तो बहुत तरसते रहते लड़कियों के लिए लेकिन मिलती नहीं। तो ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले मौत आ गई। बोले यार तुम कमाल बात करते हो, ऐसी बातें करते हो। तो ये 15-20 मिनट में पूरा गाना लिखा गया। अब इसमें क्या कि बाबला जो छोटे भाई उन्होंने रिदम बनाया, टन टन वो ट्यून भी सब की थी, तो बड़े लिरिक्स को हमने कर लिया। और हम भी नहीं सोचते कि इतना बड़ा ऊंचा गाना 15-20 मिनट में हो जाए। तो हम इसलिए कहते हैं कि रंग राग रसोई पगड़ी जी बनत बनत बन जाए। कभी ऐसा नहीं कि आप सोचो और बन जाए, और कभी कुछ नहीं सोचो और बन जाता जी। ये ऐसे काम माहौल बनता है, माहौल में से गाने बन जाते। आनंद जी अब देखिए ना ये जिंदगी का सफर कैसा है, न राजेश खन्ना साहब हमारे बीच रहे, न किशोर कुमार साहब, बिल्कुल न इंदिवर साहब, न कल्याण जी भाई, और न डायरेक्टर असीत सेन साहब, सब गुजर गए। क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? ये जीवन है, इसी को क्या, ये सफर ऐसा कि इसमें कौन किस वक्त चला जाएगा, कौन रह जाएगा, कुछ पता नहीं लगता जी। लेकिन इस गाने की खास बात ये थी कि किशोर दा का नाम लिया आपने, जिन्होंने गाना गाया, सुनने वाले भाई भी सुनते होंगे, वो सुनते होंगे कि किशोर दा का ये गाना उनके नॉर्मल गानों से अलग है, बहुत अलग, कुछ अलग लगता है बहुत। वो खुद भी बोलते थे कुछ अलग हो गया। हुआ क्या था कि जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग वॉइस थी उनकी, तो लंबे खड़े रह के वो बात करते थे और जोर ताकत लगा के गाना गाते थे जी। हमको ये गाना विद इन चाहिए था, विद इन मतलब क्या, खुद के लिए गा रहे हैं तो क्या जिंदगी है समझ में नहीं आ रहा है, क्या चले क्या नहीं, मन कोई मन गणित बात थी ये जी। तो उनसे दादा के जाके बोला किशोर दा, बोला किशोर दा, बोले किशोर या बूढ़ा हो गया बूढ़ा दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा मजा कर सकते थे जी। तो बोले कहिए चाहिए क्या? मैं बोला नहीं, वो उसको अंधेरे में भी दिखता नहीं, वो लगा हुआ कुछ कर रहा है। तो बोले चाहिए क्या? बोले दादा इसमें गाने में आपको माइक के साथ नहीं बैठना है, आप कुर्सी पे रिलैक्स होकर जाइए, मैं साइड में माइक लगा देता हूँ और उसमें अपन रिकॉर्ड करेंगे। बोले ऐसा होता नहीं, तुम कुछ नए नए प्रयोग करते रहते हो, कुछ ना कुछ होते रहता है। बोले देखते नहीं होगा तो फिर तो नॉर्मल करते ही करें। तो उनको बिठा दिया साइड में, माइक दे दिया, ऐसे बैठे हुए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, वो पूरा मुखड़ा कर लिया, जाके अंदर सुना है, तो बोलते फिर से बजाओ। अरे बोले ये तो अलग लगता है, किशोरी लगता ही नहीं। बोले ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? बोले अच्छा लगता है बुरा लगता है? बोले नहीं ना अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अंतर भी ऐसा हो सकता है क्या? बोला अंतर भी ऐसा ही होगा जी, जो नहीं होगा तो फिर तो नॉर्मल करते हो करते। तो इसलिए पूरा गाना इस तरह बुर से अलग बना। वाह, तो गाने बनाते बनाते रिकॉर्डिंग का बेस सब चीज का मूड बनाना पड़ता है, और वो मूड जब बनता तो बात और हो जाती है। तेरी राहों में खड़े हैं दिल काम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल काम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरे अखियों के नूर मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। Thank you.
राज कपूर अभिनीत छलिया का गीत था ये। वाह क्या बात है, कैसे दिन होंगे वो आनंद जी। छलिया तो आपकी शुरुआती दौर की फिल्म है, आपने 1956 से फिल्मों में संगीत देना शुरू किया था और मुझे पूरी तरह से याद है कि छलिया आपकी 10वीं फिल्म थी। करेक्ट, कभी याद किया। हम भी आपके फैन हैं। और मनमोहन देसाई साहब के काम करने का अंदाज क्या था, बताइए हमारे सुनने वालों को। एक तो पहला और एक सीक्रेट बताइए। हाँ, अकेले तो अभी दुगने कैसे हुए, अकेले में से दो कैसे हुए वो बता देता हूँ। दोनों भाई हम साथ में काम करते थे जी, समझे ना जी। पहले 5-6 पिक्चर आई, तब तो सुभाष देसाई ने स्टार्ट किया था जी, सम्राट चंद्रगुप्त, जिसमें गाना था चाहे पास हो चाहे दूर। फिर उनकी दूसरी पिक्चर आई बेदर जमाना, उसमें दो गाने थे कैद में है बुलबुल, हम बजाएंगे, और ये सब देखते रहते थे। मनमोहन जी उस वक्त असिस्टेंट थे जी, समझे ना जी। तो उनको ही पहली पिक्चर देनी थी और उन्होंने सोचा था कि छलिया में राज कपूर को लेना है, तो राज कपूर लेके तो सुभाष जी ने बोला कि ऐसा करते कि उनके म्यूजिक डायरेक्टर दो होते थे जी, मुकेश जी भी होते थे, मुकेश जी तो रहेंगे, तो बोले शंकर जी किसी दो हैं तो यहाँ पे दोनों काम करते हो, दोनों के नाम डाल देते ना, कल्याण जी आने जी की नया बनेगा। तो हमने बोला ये ऑलरेडी नाम एस्टैब्लिश है, उसको क्यों करते हो जी। और ये उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इतने पापड़ बेचेंगे और यहाँ तक चलेगा। तो वो मजाक में कर रहे थे, चलो कुछ कर रहे निकल जाते, तो ये एम नहीं था कि ये कंसर्न करके लेते। बोले नहीं नहीं, मैं इसको डबल करके बनाता हूँ, कुछ करता हूँ और देखो। और ये हुआ कि दोनों के नाम आने लगे, दोनों के नाम आने लगे, तो पिक्चर के रजिस्टर स्टार्ट हो गया था चलिया से। लेकिन मदारी पहले रिलीज हुई जी, जिसमें दिल लूटने वाले जादूगर जी, बिल्कुल बिल्कुल रिलीज ये हुई। तो कन्फ्यूजन लोगों को भी किया था कि छलिया पहली थी कि मदारी। रिकॉर्ड के रिलीज के हिसाब से मदारी पहली हो गई, लेकिन वैसे स्टार्ट हुई थी विद छलिया जी, बिल्कुल। उसके बाद दुकान चल पड़ी, बहुत सारी पिक्चरें आने लगी, बहुत कुछ काम। आपको तो सब कुछ याद है, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में तुम मिले थे, याद होगा कभी हम मिले थे। मैं हूँ संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी का आनंद जी, और आप मुझे सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ FM गोल्ड पर। मेरे दिल ने पुकारा है बड़ना। 1959 की फिल्म थी ये, सट्टा बाजार।
जिसका ये बेहद मकबूल गीत था। लता जी और हेमंदा की आवाज, विजया चौधरी और सुरेश पे पिक्चराइज भाई। होती है इन दिनों आपकी मुलाकात लता मंगेशकर जी से? नहीं, फोन पे कभी बात हो जाती है, वैसे तो ज्यादा मिलना जुलना होता नहीं क्योंकि वो अपने भी बिजी रहते हैं, हम अपने भी बिजी रहते हैं। है तो पड़ोसी है, तो पड़ोसन पड़ोसी लेकिन गप मारने के लिए वैसे उन दिनों में क्या होता था, सिटिंग में आते थे जी, बैठते थे, जैसे अभी गप मार रहे हैं, 5 मिनट का काम उसको 15 मिनट हम ले रहे हैं जी, मॉल बनाते कुछ होता है, वाह, तो वो मजा भी आता था। तो अभी वो अपने में रहते हैं, हम अपने में रहते हैं। और हेमंदा के साथ कैसी यादें जुड़ी हुई? हेमंदा तो ग्रेट संत आदमी थे जी, हालांकि नागिन से लोग समझे कि बीन नागिन से आई, लेकिन आई थी नागपंचमी से। नागपंचमी में चित्रकूट जी का म्यूजिक था, उसमें पहली बार ये बीन बजी थी जी, वो नाग कहीं जा बसी हो रही, मेरे पिया को दसी हो रही। वाह वाह। तो वहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट, नया इंस्ट्रूमेंट जो आया था, वो दिलीप धोलकिया उनके असिस्टेंट थे जी, दिलीप धोलकिया कौन से मालूम है, गुजराती के तारा आंख नो भीणी जी, बोल नो बंदाणी जी, उसके ये तो वो हमारे साथ रहते थे, तो उनको ये इंस्ट्रूमेंट देखा तो वो उसमें बीन में चाहिए था कि लंबी नोट चले जी, लंबे नोट तक जाए स्केल जी जी, तो वहाँ पे उसका वो होता टेरे ऊपर जाना पड़ता जो बीन में बजता नहीं जी। हाँ। तो वो उसका इस्तेमाल पहले हो गया था, वो पिक्चर मद्रास में भी बनी नागल चौथी जी। तो ये सुन के यहाँ के प्रोड्यूसर जो थे अपने जानू साहब, उन्होंने बोले ये पिक्चर क्यों चल रही है, तो बोले सांप का गाना है उसमें चलती है, कौन सी पिक्चर जी, नागपंचमी, नागपंचमी। तो बोले अगर एक गाने पे चलती तो पूरी पिक्चर बना लो, व्यापारी आदमी की सोचा। अच्छा। तो उन्होंने नागिन स्टार्ट कर दिया सफरों का म्यूजिक जी। तो जब हेमंदी ने बुलाया उनको कि भाई बीन उसमें किसी ने बजाई है, तो हम लोग उसको ये बोलते थे कुंगी बोलते जी, गुजराती में, और इसमें कुंगी बोलते जी। तो उन्होंने आपने बीन बजाई, बोले बीन तो नहीं, बीन हम समझे वीणा जी। तो बोले नहीं नहीं वो उसकी क्या बजा, बोले हाँ उसको बीन बोलते क्या, बोले हाँ तो अपने पिक्चर में बजाएंगे। तो ये पिक्चर में पूरा म्यूजिक भी चला, सबने बजाया, रवि जी ने हारमोनियम बजाया जी। और ये पिक्चर जो है इतनी सुपर हिट पिक्चर जिसका म्यूजिक अभी तक चल रहा है जी, वो पहले 4 वीक फ्लॉप थी जी जी, क्योंकि समझ में नहीं आता लोगों को ये क्या हो रहा है, कौन सी कहानी है, क्या है। तो ये करते करते वो पिक्चर आज अभी तक वो म्यूजिक इतना अमर है। आनंद जी हमारे सुनने वाले तो आज निहाल हुए जा रहे हैं, आप इतनी सारी कहानियां जो सुनाए जा रहे हैं। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले हम एक गीत और सुन लेते हैं, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता जी और हेमंदा की आवाज, नींद न मुझको आए। नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके कोया प्यार जगाए।
सुनील दत्त और शकीला पे पिक्चराइज्ड हुआ था ये गीत, पीएल संतोषी का गीत। इस फिल्म के सबटाइटल्स में आनंद जी आपका और लक्ष्मीकांत जी का दोनों का नाम है, कल्याण जी के असिस्टेंट के तौर पे। तो आप कितने बरस रहे कल्याण जी के असिस्टेंट और फिर कैसे आप दोनों का नाम साथ आने लगा? जिंदगी में तो असिस्टेंट नहीं रहा क्योंकि दोनों भाई साथ में चलते थे जी। मैं थोड़ा इंडस्ट्री में जल्दी आ गया था जी, वो शर्मीले थे जी, मैं उनको पुश करता था, लेकिन एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो जो आए उसके बाद में आया। असिस्टेंट तो साथ में काम करते थे क्योंकि मैं थोड़ी जबानों का इधर उधर का सब कुछ करते रहता था जी। वो ही वॉज वेरी शाय गाय तो वो होता था, लेकिन वो जब ये असल में अकेला जी ऐसा था ना जी, हम लोग शौकिया इस लाइन में आए जी। एक गुजराती आदमी इस लाइन में जाए और उसमें काम करे तो घर वालों की मेहरबानी थी कि उन्होंने अलाउ किया हमको फिल्म में जाने का। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते थे हर कोई ये पूछता था कि जात कौन है आपकी, बोले गुजराती, तो वो फौरन बोलते थे गुजराती हो तो पिक्चर बनाओ, ये म्यूजिक व्यूजिक तुम्हारा काम नहीं है जी जी, जी, तो हम बोलते थे नहीं काम तो नहीं है लेकिन शौक है तो कर लेते हैं, देखते हैं नहीं चला तो फिर दुकान है उधर बैठ जाएंगे जी हाँ। यूं करके हमने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लोग बोलने लगे कि काम तो अच्छा हो रहा है तुम लोगों का जी। हमको शौक था इसलिए स्टडी करते थे। भाई संगीतकार तो साधु होते हैं और जात न पूछो साधु की, यही बात है। नींद मुझके आए में भी हेमंत दा ने गाना गाया, लता जी ने गाया, संतोषी जी ने काम किया था। और इसमें एक खास बात थी जो सीक्रेट है मैं आपको बता दूं प्लीज। उन दोनों में फिल्म का स्टॉक मिलना बड़ा मुश्किल होता था जी, साउंड पॉजिटिव मिलना बड़ा मुश्किल होता था, तो काटनी पड़ती थी। एक गाना जो होता है 6 मिनट का, उसको हमको 3 मिनट का 25 सेकंड का करना पड़ता जी। तो एक जो असिस्टेंट नए नए आए थे बेचारे, उसने वो काटना शुरू किया तो मॉड्यूलेशन आजकल जैसे दिखते ऐसे नहीं था, यूं करके साउंड को पकड़ना पड़ता था कि दूसरे साउंड से साउंड को मैच करना है। तो वो करने में वो बेचारे की थोड़ी थोड़ा जल्दी काट दिया था उसने। अच्छा, तो उसमें अभी भी रिकॉर्ड सुनी गए तो बीच में हेमंत दा का वो लता जी का गाना इतना आता, अभी भी सुनी गए तो फिर वो कहते हैं ऐसे लगता है। तो उसको बोले काटेंगे, बोले बाबा मेहरबानी करो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नया नया हुआ। हमने बोला चल तेरी तकदीर में छोड़ देते हैं, और फिर भी गाना पॉपुलर हुआ। वाह वाह। ओ चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। सागर की दो लहरें पुकारे, मिलके रहे
चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की। लता रफी की आवाजें, सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का नाम, भारत भूषण और निरूपा रॉय पे पिक्चराइज था ये गीत। बात चली है तो इस फिल्म में आप ही और लक्ष्मीकांत जी भी साथ साथ असिस्टेंट थे इस फिल्म में भी। अच्छा, आपके साथ कई कई गीतकार होते थे शुरू में। अब इसी फिल्म को लीजिए, इसमें इंदिवर भी हैं, हसरत जयपुरी भी हैं, भरत व्यास भी हैं और एक गीत निरूपा रॉय ने भी गा लिखा है। तो कैसा शायरों के साथ आपका वर्किंग स्टाइल होता था? ऐसा है कि हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि इस नाम से ही अपना काम चलेगा। एक होता है ना कि इसी नाम से ब्रांड है, इसको ले लो तो उसके सारे अपन निकल जाएंगे। हम शौक से आए थे तो हमको तो ये लगता है ये अच्छा काम करते हैं, इसको ले लो। इनका अपने को ये पसंद है तो ले लो, इनका ये पसंद। क्योंकि हम लोग ये म्यूजिक एक्टर से बने, इससे पहले 5-6 साल तक शो करते रहे। ऑल इंडिया में सब जगह घूमते थे, लोगों को क्या पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद आती है, कौन सी नहीं आती, ये साइकोलॉजी हम लोगों को मालूम थी। जी, सिंपलिसिटी किसको कहते हैं, किसको क्या होता है। जनरली ये होता कि नया नया आदमी चाहता है कि मैं ऐसा कर दूँगा किसी को पता नहीं चले। जी, बहुत डिफिकल्ट काम करो, और वही होता है कि खुद का पता नहीं लगता बाद में, पल्ले ही नहीं पड़ती बात। तो सिंपलिसिटी में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, क्योंकि जैसे नट होता है सर्कस में, वो चलता है उसमें, वो बड़ा लगता है, देखते लगता है गिरेगा गिरेगा। जी हाँ, बड़ा आसान से एक दूरी पे चलता है, वो करना बड़ा मुश्किल होता है। आनंद जी, आप इतने खुश मिजाज कैसे हैं? बचपन से ही वही रहा, नेचर है उसको, क्या करेंगे क्या करते। वाह, अच्छा नहीं है ना? बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। इससे एक नुकसान भी है। अच्छा, पहले ही बड़े सीरियस रहते थे, उनसे सब डरते थे। ओह, और मैं ऐसे मजाक में सबको, नए म्यूजिशियन भी आए तो उसको ले लेता था, उसको बोलते थे डर मत यार, फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे उसमें मत कर। तो कभी वो नहीं हुआ, लेकिन इसका फायदा भी देखा मैंने। जी, कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि हम लोग अहमदाबाद से शो था कहीं, किसी मिशन को लग गया तो कलेज भाई जाके पूछे, बोले कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं गया तो इसने गले में ले लिया, अब तो मैं इतना बीमार हूँ, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा, मेरे घर वालों को आप संभालेंगे ना, मैं बड़ा डरूँ। बोले उनको क्यों नहीं बोलते, बोले उनको कैसे बोलूँगा। तो ये होता है कभी कभी, मन की बात रह जाती है। वाह वाह वाह, यानी आप दिल लूटना जानते थे। हमारा गाना भी है दिल लूटने वाले जादूगर। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। छुपा कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तन मन को। धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। देखूं मैं सावन की नशीली रातों में, हो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार के मीठे बातों में। सामने मैं हूँ संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी जोड़ी का आनंद जी, और आप मुझे सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ FM गोल्ड पर। मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से। फारूक कैसर का गीत, लता जी मुकेश जी की आवाजें, उफ हम तो खोए जा रहे हैं। सुनने वालों, ये सभी उस दौर के गीत हैं, 55, 56, 57, 58, 59, 60 के गीत, जब कल्याण जी आनंद जी
अपनी हर फिल्म से ज्यादा सशक्त हुए जा रहे थे, स्टैब्लिश हुए जा रहे थे। लोग इस हेमंत कुमार के असिस्टेंट कल्याण जी के म्यूजिक से अभिभूत हुए जा रहे थे। कल्याण जी भाई कभी असिस्टेंट नहीं रखना, हेमंत जी के लोग ये समझते कि उनका असिस्टेंट, उनका असिस्टेंट रवि बजाने जाते थे जी, लेकिन कभी असिस्टेंट हम दोनों भाई किसी के और के नहीं हुए जी, साथ में काम करते रहे जी, ये करते रहे। अब ये मदारी जो पिक्चर है जी, इसमें फारूक कैसर जो है जी, उनका तो नाम लिया हमने, बहुत फास्ट लिखते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपलिसिटी में लिखते थे और जल्दी लिखते थे। और उनका कमाल ये था कि यहाँ मुखड़ा दो ना तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे दरवाजे तक, हम लगता कि सोच के आएंगे इतने वापस आते। हाँ सुनो सुनो सुनो, वाह दिल लूटने वाले जादूगर, वाह हाँ जादूगर, हाँ दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने तुझे पहचाना, यूँ करके गए वापस आ जाते जी। तो मैं बोले जाते क्यों, बोलो जाने में मेरे को सूझता है। अच्छा अकेले जी हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने के स्टूडियो जो जी उसकी बात नहीं हम करेंगे, फेमस तारदेव जो है जिनका का तर्क और इनका ये था, वो स्टूडियो उस वक्त में एक ही था जो नजदीक में था। इससे पहले जब नागिन बीन बनी जी तब तो फिल्मिस्तान स्टूडियो में जाना पड़ता था कल्याण भाई को, और रात को उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए होती थी क्योंकि जहाँ शूटिंग होती थी वहीं रिकॉर्डिंग होती जी। वो क्यों होती थी रात को, क्योंकि तब ट्रेन नहीं हो, बंद हो जाती, सब कुछ बंद हो जाता था, तब होता था। अब ये एकॉस्टिक वाला स्टूडियो आ गया था कि जिसमें यहाँ दिन में भी काम कर सकते, रात को भी काम कर सकते जी। तो ये एक दौर अलग था जी जी, उस वक्त में साउंड कब रिकॉर्ड कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, फिर इतनी छोटी जगह में वायलिन भी रखनी आपको, ब्रास भी रखना, टिप्पणी भी रखना, सब कुछ करना, उसको कैसे संभालना, वो जगलरी बहुत काम आती थी जी। तो एक प्लग डालो कि टिप्पणी अलग बज रही है, अलग इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, कोई फिक्र नहीं होती जी। आनंद जी, और उस वक्त कल्याण जी बिल्कुल एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ आए थे, क्लेवोलिन के साथ। तो हम इस वक्त एक छोटा सा पीस नागबीन का बजाएं, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बजाएं, लोगों पर मजा लेंगे अपने। आनंद जी, आप कल्याण जी भाई से कितने छोटे हैं? मैं 4-5 साल। तो अकेले जी एक बात और कहनी थी जी को, मैं अभी भी हमारी जो लेटर आते हैं ना उसमें कल्याण जी आनंद जी में कल्याण जी लोग कैसे लिखते हैं, मैंने कल्याण जी को सेपरेट करते हैं, आनंद जी को सेपरेट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो साथ साथ ही है। वैसे कल्याण जी आनंद जी नाम है, जैसे शिवाजी तानाजी जी, चटर्जी मुखर्जी, ये सारे नाम है ना, तो कई लोग ये समझते कि ये रिस्पेक्ट देने के लिए उनको दिया हुआ जी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे कच्छ में महाराष्ट्र जैसे होता है सिंह होता है, राव होता है, ऐसे ही कल्याण जी आनंद जी राघव जी माधव जी ये सब, ये गांधी जी ये जी जी जो उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ जी। इसका फायदा ये है कि गाली भी कोई देता हो आपको तो जी लेके गाली देगा, ये आप ही कह सकते हैं। ये बीन का कमाल ऐसे हुआ है कि आज 50 साल के ऊपर हो गया बीन को जी, तो जहाँ पे मैं गया तो एक संत मुझे मिले गुजरात में, बोले ईश्वर को कितनी मेहरबानी आप पे जी, तो बोले ये जो आपने बीन बजाई है बाजा बजाया वो मंदिर में भी बजता है, शादियों में भी देखा मैंने, चलते चलते देखता हूँ क्योंकि जब क्लाइमेक्स रहता तो वही बजता है जी, और अभी तक बजता है और फ्रेश भी लगता है, यही तो कमाल है। तो बोले ये ईश्वर की दया आप पे है, ये कि एक बाजा बजने के बाद बजाने वाले का नाम भगवान तक पहुँचता भी है, रोड पे भी बजता है, हर जगह बजता है। तो बोले ये कमाल है, कमाल के बिना नहीं है। तो बोले गुरु जी कमाल कैसे होता, बोले पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं जिनको अच्छा कर्म किया होता है तो इस तरह का काम होता है कि जो ऑटोमेटिक ऐसा होता है। बोले बनाए तो ना उनका था जीवन जी का था, बोले माध्यम तो कोई बनता नहीं जी, बिना माध्यम के कोई बनता नहीं, यही तो कमाल है उस जमाने के गीतों का कि वो सब मंदिरों में सुने जा रहे हैं। मैंने आज भी आज तक वो इतना फ्रेश लगता है, जहाँ पे जाओ कभी नए बच्चों को पूछता हूँ, बोले कैसे व्हाट डू यू फाइंड, बट दैट म्यूजिक इज स्पेपी म्यूजिक, इट्स एवरग्रीन, नेवर नेवर गेट्स ओल्ड। दिल रहा है मगर, दूर कहीं तू चल,
जल प्यार की राह में प्रेम की छाँव में दे कोई हलचल ले चलूं तुझको वहां ये नजारे ये इशारे उड़ रहा चल दूर कहीं तू चल दिल रहा है मचल प्यार की राहों में प्रीत की छाँव में देख हुई हलचल सपनों के सिंगार का दो दिलों के तार का तार के झंकार का गीत है ये बहार का तू रसीली रुत नशीली और हवा चंचल भरत व्यास का लिखा गीत कल्याण जी वीर जी शाह का म्यूजिक जबीन जलील पे पिक्चराइज्ड ये सॉन्ग है जलील भी जलील है क्या है? जलील है पक्का जी पक्का हमारे जलील भी बोलते तो जी आप लोग मोहब्बत ही इतनी ज्यादा करते हैं अपने आसपास वालों से कि कुछ भी कहें आपकी जुबान से अच्छा ही लगता है जब आपकी फैमिली कच्छ से मुंबई आई हाँ। तो कब आई ये बताइए और किस तरह आपने अपने पिताजी की जनरल स्टोर का काम है जो संभालने की जगह म्यूजिक फील्ड में आए आपने उल्टा बिजनेस से स्टार्ट किया पहले और बातें करके फिर हम अंदर की खुल रहे हैं सब जी चाबी क्या कर रहे हैं ऐसा कि देखिए बनिए हैं कच्छी जैन जैन है ना बिल्कुल स्थानकवासी जो हमारे होते गुजराती में कच्छ में जी तो इनका काम ये था कि कच्छ में तो ड्राउट था जी तो उनको खेती करते थे लेकिन छोटी छोटी खेती होती थी तो उनको करने के लिए बच्चों को आगे फिर भेजने लगे क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले एजुकेशन की जरूरत नहीं थी बच्चा पैदा हुआ उसको खेती में काम करना निकल जाना है अब ये प्रोग्रेस हुआ तो इसमें धीरे धीरे पिताजी और बॉम्बे में आने लगे यहाँ शुरू में सर्विस करने लगे जिसके बाद छोटी सी अपनी एक दुकान खोली जी तो ये सब ये 38, 40 में 33, 32 में हुआ था कि मैं 33 थे मैं बनूँ उसके पहले बड़े भाई गाँव में पैदा हुआ एक बॉम्बे में पैदा हुआ मतलब दे मस्ट हैव कम इन 1912 में उससे पहले उस जमाने जी जी फर्स्ट वॉर हमने देखी सेकंड वॉर देखी हमने समझे ये सब देखते हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट देखा होल्डर देखा हड़तालें देखी गांधी जी के साथ रहे उनके साथ मॉर्निंग में निकलते थे सब कुछ देखा था तो एक अलग ही दुनिया देखी थी तो अभी नरेंद्र जी आए जब तो किसी ने पूछा कि क्या लगा आपको तो मैंने बोला कि आज़ादी के बाद जो एक सपना था हमारा क्योंकि आज़ादी के पहले लोग हमको ये लगता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी वो हुआ नहीं और जाने का वक्त आ गया ऐसा लग रहा था इतने में इनको देखने के बाद ये लगा कि फिर उम्मीद जागी जी कि फिर एक बार रहना चाहिए कि वो सपना जो था वो अब साकार होने लगा ऐसा लगने लगा जी तो जी, जी, एक जी, उम्मीद होने लगी और अब जब म्यूजिक फील्ड में आए तो घर वालों का पूरा सपोर्ट था हाँ क्योंकि म्यूजिक तो ऐसा था ना कमर्शियल म्यूजिक नहीं था जी गाँव में जब रहते थे तो रेडियो तो था नहीं FM नहीं था आकाशवाणी नहीं था जी तो गाँव में जब शाम हो गई अंधेरा हो जाता था दिया जलता था तो नानी गाएगी कहानी सुनाएगी दादा गाएंगे गांव के लोग सब बैठ के भजन करते थे ये सब होते रहता था म्यूजिक लेकिन वो सात्विक म्यूजिक जो था एंटरटेनमेंट वो चलता था जी तो वो एंटरटेनमेंट जो अब बंद हो गया क्योंकि रेडियो आ गया जी हर आदमी अपने अपने में रह गया बच्चा भी घर में आता तो अपने कान पे लगा के बैठ गया अब कलेक्टिव तो कुछ हो नहीं रहा जी समझे एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि सुमेल बैठ को काम नहीं हो रहा अब बच्चे भी खाना खाते तो अलग खाते हैं अपने कमरे में टीवी देखते देखते हम टेबल पे खाते हैं तो कुछ है हो रहा है
तो इस वक्त ये भाई साहब जब डैडी यहाँ पे आए जी, तो उसके बाद दुकान खोली उन्होंने, और हमारा एजुकेशन जो होता था वो क्या होता था, फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर वॉर में अब बॉम्ब गिरने वाला तो गांव चले जाओ जी, फिर वापस आ जाओ चार महीने में, महीने दो महीने में जो करते थे, एजुकेशन भी इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन म्यूजिकल जो व्यूइंग थी वो गिरगांव में बहुत थी। और दोनों वर्ल्ड वॉर देखने के बाद आप लोगों ने मोहब्बत भरे इतने नगमे बनाए कि कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ नहीं। नहीं, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो गाने भूलने लगे तो नहीं लोग नहीं नहीं भूल नहीं रहे भाई, खूब सुन रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो। वाह, लता जी ने भी गाया जी, पिक्चर के जो हीरो हैं धर्मेंद्र, उनकी पहली पिक्चर जी। हाँ बिल्कुल। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने, मैं परेशान मुझे और परेशान करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे कनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने, छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो। अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों के झरोखों के जरिए मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के आनंद जी शाह को विजय अकेला के साथ। प्रोग्राम जारी रहेगा ठीक 11:05 से अंग्रेजी समाचार के बाद। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम कमाल हो गया, प्यार की कसम कमाल हो गया। आज दिल को अब तक है इनकार, राखी कर बैठी इकरार, प्यार की कसम कमाल हो गया, प्यार की कसम कमाल हो गया। कभी दूर जाए के है दिल चुराने की लाखों अदाएं, नहीं तेरे निकला अभी तक तमाशे, नहीं तेरे निकला अभी तक तमाशे, कोई उनसे कह दे कि दिल को बचाए, कि दिल को बचाए। हाय हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया, है प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल का अब तक है इनकार, राखी कर बैठी इकरार, प्यार की कसम कमाल हो गया, है प्यार की कसम कमाल हो गया।
के रहेंगे जहाँ तुमने देखा जरा मुस्कुरा के जरा मुस्कुरा के दिल को अब तक है इनकार आके कर दे इकरार प्यार की कसम कमाल हो गया है प्यार की कसम कमाल हो गया अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल प्यार की कसम कमाल हो गया है प्यार की कसम कमाल हो गया जमाना तुम्हारा निगाह है उधर है इधर है इशारा ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए चलाए जो है मोहब्बत का मारा मोहब्बत का मारा हुस्न चला ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल प्यार की कसम कमाल हो गया है प्यार की कसम कमाल हो गया दिल को अब तक है इनकार आके कर बैठी प्याम तेरा लब पे है नाम तेरा होके दीवाने तेरे प्यार में लो आए जी आए होके दीवाने तेरे प्यार में के दाग लेके
दिल के चिराग लेके कब से खड़ा हूँ तेरे सामने, तू माने न माने कब से खड़ा हूँ तेरे सामने। अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी पुकारे चले जाएंगे, तू आए आए फिर भी पुकारे चले जाएंगे। मैं हूँ संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी का आनंद जी, और आप मुझे सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ एफएम गोल्ड पर। मेरे दिल ने पुकारा है बड़ना। दोस्तों, हमारे एफएम गोल्ड के स्टूडियो में पिछले घंटे भर से जिनका इंटरव्यू चल रहा है वो है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी का, और इनके संगीतबद्ध नगमों से माहौल में एक मस्ती भरी हुई है। चांद आहे भरेगा दिल थाम लेंगे, चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा, कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आए भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होंठ गंगा के साही, जुल्फ जन्नत की गलियां, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली कर सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। आनंद बख्शी का गीत था ये। कहते हैं कि आनंद बख्शी, गुलशन बावरा, अनजान, वर्मा मलिक और एमजी हशमत जैसे कई शायरों के करियर को संवारने में आपका कल्याण जी आनंद जी का बहुत योगदान है। संवारने में तो नहीं रहा, लेकिन हमने उनको चांस दिया और हम लोग लकी ये रहे कि जिसको भी चांस दिया उनके गाने चले। फारूक कैसेट सर जी है, अनजान जी सर जी है, फिर ये अपने कौन थे, कोविंद राय के साथ आए थे वो भी, नए नए जितने भी राइटर थे। अभी जैसे इंदिवर जी बड़ा डिफिकल्ट लिखते थे शुरू में जी, हम बोलते थे सिंपल सिंपल लिखो, लोग समझे ऐसा लिखो जी जी जी, तो उनको चेक करना पड़ता था ये करो। गुलशन बावरा थे, ये सब जो आए।
अगर मैं कहूं कि जैसे राजेंद्र कृष्ण साहब हैं या अमर जलालाबादी साहब हैं या भरत व्यास साहब हैं, तो क्या इन्होंने आपके करियर को संवारा? साथवी तो ये तो सुमेल है ना जी, आप एक चीज को बना रहे हैं तो उसके साथ में साथ हो तो निखर जाती है बात। सच कहा। और वो राजेंद्र जी का एक फायदा क्या था जी कि वो डायलॉग राइटर भी थे। हाँ, तो वो पिक्चर की कहानी के साथ जो शब्द भी आते थे गाने के, वो अलग नहीं होते। क्या बात। दूसरे में होता तो हमको देखना पड़ता है कि भाई डायलॉग क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या है, इस तरह के डायलॉग होते कि नहीं। तो राजेंद्र जी में ये नहीं होता। हमारा अगला गाना जो है वो प्लस मास्टर फिल्म से है, जो कि राजेंद्र कृष्ण साहब का ही लिखा हुआ। गोविंदा आला। हाँ जी बिल्कुल, प्ले करते हैं। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। अरे एक दो और तीन चार, संग पांच छह सात है ग्वाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बच के संभल के जी रहना, संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताल काला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। है झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। आज केले की दूध से ये होली, आज केले की दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग। पड़े इनसे, वो पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। अरे एक दो और तीन चार, संग पांच छह सात है ग्वाला। अरे एक दो और तीन चार, संग पांच छह सात है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। अरे एक दो और तीन चार, संग पांच छह सात है ग्वाला। अरे एक दो और तीन चार, संग पांच छह सात है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज बाला। शम्मी कपूर की एक्टिंग, राजेंद्र कृष्ण का गीत, म्यूजिक उनका जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में है। आनंद जी ये बताइए कि ये गिरगाम मुंबई वाला माहौल आप सभी ने जो पैदा किया है इस गीत में, आप और मनमोहन देसाई साहब तो खैर रहते भी वहां। हाँ।
कैसे किया है ये जादू आज? अरे बाबा, इसका तो ये था कि हम लोग एक बार ऐसी गाड़ी में घूम रहे थे, मनमोहन, मैं, ये हमने समी जी, जी। और मनमोहन ने ऐसे बोला कि ये गोविंदा चल रहा था जी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ करना चाहिए पिक्चर में, तो बोले क्या बोल रहे हो, मैं करूँगा। अरे मैं उसका हाथ दबा रहा हूँ, बोले ये क्या आदमी, ये तो जिद्दी आदमी करेगा ही, बोले चढ़ जाओ था ऊपर, तो हम टाल रहे थे इस गाने को। फिर वो बोले कि कब हो रहा है वो गाना, गोविंदा गोविंदा मैं करूँगा। तो आखिर ये जब गोविंदा हुआ जी, गाना, वो जो आके सिटिंग में बैठे, ये कि अब मालूम है ऊपर चढ़ के मटकी भी फोड़नी है, तो बोल रहे थे डुप्लीकेट किसी को बुलाए थे, बोले कोई नहीं डुप्लीकेट करेगा, मैं खुद ही करूंगा। वाह सर जी, तो आप सोचा कि भाई कहीं गिर जाए, कहीं गिर जाए, तो हम लोग पहले मंगलवाड़ी में रहते थे, गिरगांव, वहाँ म्यूजिक हॉल था अपना, तो शूटिंग के बाद में बीच में रेस्ट के लिए उनको वहाँ बिठा देते थे, कि थोड़ा एम्बुलेंस की अपना वो भी ला के रखा था कहीं गिर गिर जाए, और ये पूरा गाना वहीं हुआ, और ये भाई ऊपर चढ़ गए, पूरा ऊपर चढ़ के धरा धन धना धन सब करके आ गए। तो ये खतरनाक जो चीज थी, हम जिससे डरते थे, आज आपको मालूम है 5 लाख लोगों के साथ शिवसेना ने अभी जी 50 साल हुए ना जी, तो गिरगांव पूरा बंद करवाया था जी, और उसी गली में वो सेलिब्रेट किया गोविंदा लाल। वाह, तो ये अपने समी जी भी नहीं थे, ये भी नहीं थे मनमोहन, उनकी फैमिली वहाँ बैठी थे जी, हम लोग रो रहे थे कि देखो एक मजाक जिसका से हम डर रहे थे कि करने के लिए जी, आज वो क्या हो गया, क्या एनर्जी है उस गीत में। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछना चाहते हैं कि किन किन गानों को आपने कंपोज किया, किन किन गानों को कल्याण जी ने कंपोज किया। ये कल्याण जी आने जी का संगीत है, कल्याण जी आने जी का ही रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई ये किसने किया, वो किसने किया से थोड़ी बनता है। सास बहू दोनों साथ में हो तो दाल बनती है, तो कभी कोई नमक डालता है कोई। क्या सच्चाई हुआ कर आपके गीतों में, उफ जो हम प्ले कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। क्या होता है संगीत के, जैसे दो भाई हैं ना जी, वेवलेंथ आप देखेंगे, कभी कभी होता है आपको मिसेस का भी होता है जी, आप भी सोच रहे हैं, वो ही वो सोच रही है जी, आप कभी कभी बोलते भी है कि मैं भी ये सोच रहा था जी, तो रात दिन साथ में रहने के बाद एक वेवलेंथ कॉमन भी हो जाए। बिल्कुल सही है, और ये लगता है कि मैं भी बोलने वाला था, उससे पहले वो बोल दे, कभी वो बोल दे, मैं बोल दो यार मैं भी ये सोच रहा था, मजाक नहीं था वो, होता है जेन्यून। तो हमारा पूरा ये तरीका ये था कि जो भी एक गाना बनता है, दोनों अलग अलग ट्यून बनाते हैं। बिल्कुल, दोनों ने अलग अलग ट्यून बनाए, उसके बाद डायरेक्टर या जो भी है प्रोड्यूसर, जो भी सुनने वाला, शुरू में ये होता था वो सुनते थे, तो फिर उसमें सुनने के बाद ये होता था कि वो पसंद करेंगे, कैलाश भाई की पसंद ट्यून की या मेरी की, तो जिसकी भी ट्यून पसंद की वो उसका राइट हो गया। बिल्कुल, सेकेंड बिकमिंग सबॉर्डिनेट, वो साथ में काम करते रहेगा, ये नहीं कि क्या यार मैंने अच्छा कराई वो नहीं, उनको क्या पसंद है वो कर लो, ये एक वक्त ये था। उसके बाद ये हुआ कि पहले शुरू में राइटर आता है, वो बोलता है कि सुनो जी, किसको सुना जा रहा है, लेने वाले को जी, बाद में आके बोलता है कि लिखो जी, क्योंकि देन ही टेक दो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेते, जैसे प्रदीप जी है, आनंद बख्शी है, अपने राजेंद्र किशन है जी, वो आके वो बोलते कि ये गाना लिखो, चलो हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते उनके साथ, उन्होंने सोचा हुआ कि क्या होना चाहिए, तो उसमें अच्छा अच्छा काम हो सकता है, तो वो तरीका हो गया। में बसा था प्यार तेरा।
आपस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आनंद जी, मैं भी एक फिल्म शायर हूँ और कुछ गीत हमने भी लिखे हैं। आपके इन गीतों को सुनता हूँ तो एक पूरा मिसरा दिखाई पड़ता है, एक पूरी पंक्ति निकल के आती है, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का तोड़ दिया, बदनाम न होने देंगे तुझे तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। और आज के अगर संगीतकार या आज के जो गीतकार हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों से काम चला रहे हैं, तो ये क्या बात है? बात ये है कि देखिए कि रिलेशन जो है और एक मर्यादा जो है इसमें, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का तोड़ दिया, जी लोगों के लिए बात नहीं की, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का तोड़, दिल को तोड़ दिया, बदनाम न होने देंगे तुझे, उसकी इज्जत को संभाल के रखा, कभी बेकरारी नहीं की, कभी तुमको जो तुम्हारा अपनी नहीं जमी लेकिन तुमको बदनाम नहीं करे, यार हमारे साथ घूमती थी ऐसा नहीं कर, बदनाम न होने देंगे तुझे तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, याद कर दिया कि हम नाम भी नहीं रखे जी। अब ये मर्यादा थी, एक कल्चर था, वो सब चला गया। अब मुसीबत कहा कि दिन से हम लोगों ने अंग्रेजी बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, मम्मी डैडी अंकल आंटी, अब फूफा फूफी तो सब चले गए, वो रिलेशन गए, सच कहा, वो सारे जीते थे मामा मामी चले गए, हर अंकल अंकल आंटी में आ गया, ऐसे जो भी रिलेशन है उसको हम कट कर देंगे, वो इमोशन भी कट हो देंगे,
जी जो त्यौहार है, राखी का त्यौहार अलग होगा, मामा मामी का त्यौहार अलग होगा, उसका त्यौहार अलग होगा। जैसे शादी में महाराष्ट्र में होता है मामा की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। जी जी अब वो क्या काग रहेगा। तो ये सब जो कुछ हो रहा है वो धीरे धीरे हम स्ट्रेट तो करते जा रहे हैं, लेकिन इमोशन के हिसाब से जो बातें थी वो निकल गई। अब इमोशन की बातें नहीं रही तो फिर गानों में भी कहाँ से कुछ एलिब्रेटेशन कहाँ से आएगा। जी मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, प्यारी बहनिया वाह ये तो गया जी। सच के आएंगे दूल्हे राजा वो भी तो गया, भैया राजा बजाएगा, भैया राजा बनेगा राजा। अभी सब कुछ आ गया, बहन का भी आ गया, बनाई आ गया और फंक्शन क्या वो भी आ गया। जी जी हम उस गीत पे भी आएंगे। अच्छा याद है ये फिल्म थी सहेली, और उन दिनों पाकिस्तान की भी एक फिल्म सहेली आई थी। बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया साथ है आज हंसी तो कल भी हंसोगी, प्यार किसी दिन करने लगोगी, थोड़े दिनों की बात है बहाने क्यों करती हो। सबसे तुम जुदा सही, हुस्न के खुदा सही, अदा ही अदा सही, हम भी बुरे तो नहीं। नजर में कदा सही, जुल्फ इकट्ठा सही, तुम पे सब फिदा सही, हम भी बुरे तो नहीं। कहाँ तक तड़पाओगी राह पर आ जाओगी, कहाँ तक चढ़ पाओगी राह पर आ जाओगी, अभी तो नया साथ है आज मिली तो कल भी मिलोगी, आह किसी दिन भरने लगोगी, थोड़े दिनों की बात है बहाने क्यों करती हो। के निखार पर रूप की बहार पर अनोखे सिंगार पर तुमको अगर नाज है, हमें इंतजार पर दिले बेकरार पर हमें अपने प्यार पर तुमसे बड़ा नाज है। अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया साथ है आंख झुकी तो दिल भी झुकेगा, अब ये मिलन तो हो के रहेगा, थोड़े दिनों की बात है बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया साथ है आज हंसी तो कल भी हंसोगी, प्यार किसी दिन करने लगोगी, थोड़े दिनों की बात है बहाने क्यों करती हो। मैं हूं संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी का आनंद जी, और आप मुझे सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ एफएम गोल्ड पर। मेरे दिल ने पुकारा है बढ़ना, Thank you.
हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर शर्माने की बात एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात प्यार की तुम इंतहा है प्यार का आवाज हम प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर जिक्र हो अब आसमां का या जमीन की बात हो खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो ओ हसी तुम महजबी तुम नाजनी तुम नाज हम नाजनी तुम नाज हम साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक्टिंग आपका म्यूजिक और लिरिक्स गुलजार का गुलजार के साथ आपने शायद बहुत कम काम ये भी उनका ये लिखा था हम सफर मेरे हम सफर जी हम उसी की बात कर रहे हैं कैसे शायर आप उन्हें मानते हैं आंकते हैं देखिए जब हम हमारे साथ जो भी आए हम ज्यादा करके फिलोसॉफी हमारे गानों में होनी चाहिए जी आप देखेंगे हर पिक्चर में कुछ ना कोई गाना है जी जैसे रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाया जाएगा जी जी ये सर कहीं के पान बरसलों में भी ऐसे कुछ आएगा ये जैसे दिल तो है दिल दिल का इस बार क्या कीजिए आ गया जो किसी में प्यार क्या कीजिए समझे मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कमर जलाना बात कसमें वादे प्यार वफा से बातें हैं बातों का क्या हिंदी वर्सा तो जो भी राइटर आते थे उनको हम ये कहते थे कि भाई इस दुकान में थोड़ी फिलोसॉफी तो लगी जी हर गाने में कुछ ना कुछ आएगा मद्रास की पिक्चर की तो हमने वहाँ पे भी कलेश भाई ये बोलते हैं कि समाज को कुछ देना है सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं सीख भी देनी है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि गुलजार साहब के गीतों में वो बात नहीं थी आती थी लेकिन वो होता नहीं कि एसोसिएशन बनी होती है हम लोग बॉम्बे में रहते थे वो वहाँ रहते थे एक लिमिटेशन फिर कई जैसे गुलशन बावरा हमारे साथ काम करते जी 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 अब हम पीते नहीं जी अब उनको धीरे धीरे ये हो गया कि दिक्कत आने लगी कि यार भाई काम तो करने लगी शाम हो गई फंस जाता हूँ चाय कब तक पीऊंगा फिर वहाँ गए तो पीना वीना मिलने लग गया तो वही रह गया फिर जी परदेसियों से न अखियां मिलाना परदेसियों से न अखियां मिलाना परदेसियों को है
एक दिन जाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना जब जब फूल खिलेंगे बागों में जब जब फूल खिलेंगे तब तब ये हर जाई मिलेंगे तब तब ये हर जाई मिलेंगे गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों को है एक दिन जाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना
सुनने वालों, आप जानते हैं कि हमारे एफएम गोल्ड स्टूडियो मुंबई में 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आज इस वक्त आए हुए हैं महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के आनंद जी भाई। क्या खोया क्या पाया की बातचीत चल रही है, मगर उनसे नॉन स्टॉप बातचीत और उनके संगीत बद्ध नगमों को हम कैसे 2 घंटे में समेट पाएंगे। सो अगले हफ्ते भी रात 10:05 से 12 बजे तक उनसे बातचीत जारी रहेगी। आनंद जी भाई, क्या खोया क्या पाया इस फिल्म जगत में? खोया पाया तो बड़ा डिफिकल्ट डिप्रेसिंग है, इससे डिप्रेसिंग बहुत कुछ खोया जी, पाया इससे ज्यादा खोया जी। आज उन यादों को जिनको मैं देख के बैठता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ तो आज मुकेश जी नहीं है, हिंदीवर जी नहीं है, कल्याण जी भाई नहीं है जी, जो हमारे थे जी, समझे ना, राजेंद्र किशन नहीं, डायरेक्टर में देखो तो प्रकाश मेहरा से लेके फिरोज खान से लेके सब कुछ नहीं, एक्टर में देखो तो ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है। तो कभी कभी गाने बजते जैसे मुकेश जी के गाने बहुत बजते हैं जी, और गाने बजते बजते हम लोग प्रोग्राम में भी जाते हैं तो वही गाने हमारे गाने बजाते हैं, तो उसमें सब गाने आते हैं तो सुनते रहते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन हमको वो सब दिखता है जी, जी। कि मुकेश जी आए थे, उसने 7वें टेक में ये किया था, 8वें में ये किया था, कितनी तकलीफ से कितना एंजॉय किया जी, तो डिप्रेशन आ जाता है कि सब चलेगा मैं ही रह गया, और मैं किसको बोलूँगा हम ये सब कुछ देख, सच कहा आपने, ये आ जाता है। ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, ये हमारे कभी चुपचाप चली के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक मोहब्बत के भड़कते शोले अपने सीने में छुपा ले, ये भड़कते शोले इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर, इस तरह प्यार को सरे बाजार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों के झरोखों के जरिए मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के आनंद जी शाह को विजय अकेला के साथ। प्रोग्राम का अगला भाग आप सुन सकेंगे अगले शुक्रवार 28 जुलाई 2017 रात 10:05 से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने
तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, मैं तो एक ख्वाब